जब फेसबुक की बात की जाती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ों की बात की जाती है, एक फेसबुक पेज और एक फेसबुक ग्रुप। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों किस तरह से अलग हैं और हमारे लिए एज अ इन्फ्लुएंसर या फिर एज अ बिजनेस कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है अच्छी रीच पाने के लिए। वैसे आप में से मोस्ट लोग जानते होंगे कि एक फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन एक शॉर्ट डेफिनेशन के लिए बताते चलें। एक फेसबुक पेज ऐसा पेज होता है जो जनरली इन्फ्लुएंसर या फिर कंपनीज बनाती हैं अपने ब्रांड के बारे में पोस्ट करने के लिए। जनरली ये चीज एज अ वन वे कम्युनिकेशन काम करती है, जहां पर एक कंपनी अपने बिजनेस के बारे में अपने फॉलोअर्स को अपडेट करती रहती है और इसी तरह से वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते रहते हैं। वहीं पर अगर फेसबुक ग्रुप की बात करें तो ये एज अ कम्युनिटी होती है, यहां पर टू वे कम्युनिकेशन होता है, प्लस ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है वो भी पोस्ट कर सकते हैं। जनरली ये कम्युनिटी एक ही टॉपिक पर इंटरेस्टेड होती है और ये सारे लोग इसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। सुनने में डिफरेंस बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है, लेकिन इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करेंगे। सबसे बड़ा और सबसे पहला पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। जब हम फेसबुक पेज की बात करते हैं तो ये बनाए इसलिए गए हैं कि यहाँ से कंपनीज या फिर इन्फ्लुएंसर जो भी एडवर्टाइज करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस या फिर अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं वो इस फेसबुक पेज से प्रमोट कर पाएं। उन्हें इस फेसबुक पेज को रन करने के लिए एक पूरा बिजनेस सूट दिया गया है जहाँ से वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। वहीं पर अगर ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई टूल नहीं दिया गया जहाँ से एडवर्टाइजिंग कर पाए हम, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की एक फेसबुक पेज एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर एक फेसबुक ग्रुप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन सारे पेज पर दिए गए हैं ना कि ग्रुप में। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है एनालिटिक्स का। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में बात की, यहाँ पर फेसबुक पेज के लिए फेसबुक ने पूरा बिजनेस सूट दिया हुआ है जहाँ से हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडिशनली फेसबुक ने यहाँ पे सारे एनालिटिक्स टूल दिए हुए हैं जिससे एक ब्रांड ये जज कर पाए कि उसके पास कौन सी ऑडियंस आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस एज की आ रही है, किस इंटरेस्ट की आ रही है। ये सारा डेटा बिजनेस और इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प करता है कि आगे किस तरह से मार्केटिंग करनी है या फिर पेड एडवर्टाइजिंग में जाना है तो किस तरह से जाना है। वहीं पर अगर हम बात करें फेसबुक ग्रुप्स की तो यहाँ पर एनालिटिक्स दिए होते हैं, लेकिन एक फेसबुक पेज के कंपैरिजन में ये बहुत कम होता है। मतलब यहाँ पे आपको इतना डिटेल डेटा नहीं मिलता है जिससे आप बहुत मेजर डिसीजन ले पाएं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ब्रांड रिप्रेजेंटेशन का। जब आप फेसबुक पेज की बात करते हैं तो ये इसीलिए बना हुआ है कि ये एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर पाए। ये फेसबुक पेज जनरली एक बिजनेस के नाम से बनाया जाता है जो उसके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि फेसबुक केवल एक सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है, अब वो एज अ सर्च इंजन भी काम करता है। यहाँ पर भी लोग आके सर्च करते हैं किसी ब्रांड के बारे में, और जब आपके बिजनेस को कोई सर्च करता है फेसबुक पर तो आपको भी एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए जो उस सर्च रिजल्ट में दिखाई दे, और इसी पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए फेसबुक पेजेस बनाए गए ताकि वो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकें। वहीं पर अगर बात करें फेसबुक ग्रुप की तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप अपनी कंपनी के नाम से फेसबुक ग्रुप नहीं बना सकते, लेकिन जनरली फेसबुक ग्रुप टू वे कम्युनिकेशन होता है और यहाँ पर और भी लोग हैं जो पोस्ट करेंगे जो कि आपके ब्रांड से ना कहीं रिलेटेड होंगे ना कहीं से रिलेवेंट होंगे, इसलिए फेसबुक ग्रुप में आपके ब्रांड के नेम की खास जरूरत नहीं होती, इसलिए फेसबुक ग्रुप आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, कम्युनिटी टाइप। अगर जनरल वर्ल्ड में सिंपल भाषा में कम्युनिटी को डिफाइन करें तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जहाँ पर लोग आपस में बातें करते हैं। यहाँ पर जनरली केवल एक आदमी को हक नहीं होता है बोलने का, सब लोग अपनी अपनी बात बोल सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम फेसबुक पे लेके देखते हैं। एक फेसबुक पेज एक ग्रुप ऑफ पीपल तो होता है, लेकिन यहाँ पर सबको बोलने की इजाज़त नहीं होती है। यहाँ पर जनरली केवल एक ही आदमी बोलता है और अपनी चीज़ों को ही प्रमोट करता है, लेकिन एज अ कम्युनिटी ये चीज़ सही नहीं है। तो ये चीज़ ग्रुप ऑफ पीपल तो बन गई, लेकिन ये एक कम्युनिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे केवल वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें फेसबुक ग्रुप की तो ये एज अ स्टैंडर्ड कम्युनिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर सबको अपनी बात रखने का हक होता है। यहाँ पर एडमिन भी बोल सकता है और ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी बोल सकते हैं, इसलिए ये चैनल मल्टी वे कम्युनिकेशन है। इस चीज़ को छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका एक ब्यूटी प्रोडक्ट का ब्रांड है, तो आपने एक फेसबुक पेज बना लिया है अपने ब्रांड के नाम से जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं ये बताते हैं, और आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हैं उस पेज पर। लेकिन जब आप आते हैं फेसबुक ग्रुप पर तो यहाँ पर अपने ब्रांड के नाम से आपने फेसबुक ग्रुप नहीं बनाया, यहाँ पर आपने सिंपली बनाया ब्यूटी टिप्स फॉर वुमेन। अब यहाँ पर आप वैरायटी ऑफ ब्यूटी टिप्स शेयर करते हैं। एडिशनली आपके ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं अगर उनको भी अच्छी जानकारी है तो वो भी अपने विचार शेयर करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं उस ग्रुप में। रिजल्ट ये आता है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप अच्छे थॉट्स और अच्छे टिप्स का कलेक्शन बन जाता है और भी लोग जो उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं वो भी उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और कम्युनिटी बड़ी होती जाती है। तो ऑब्वियस बात है कि फेसबुक ग्रुप एज अ कम्युनिटी फेसबुक पेज से कहीं बेटर है। फिफ्थ पॉइंट आता है प्राइवेसी का। जब हम बात करते हैं फेसबुक पेज की तो जनरली यहाँ पर कोई प्राइवेसी सेटिंग नहीं होती है, मतलब किसी पर्सन ने आपको फॉलो कर लिया तो आप जो भी पोस्ट करेंगे उसे देखेगा। मतलब यहाँ पर आपके पास कोई खास सेटिंग नहीं होती जिसे आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सकें कि वो आपके पोस्ट ना देख पाएं। लेकिन अगर फेसबुक ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप फेसबुक ग्रुप को प्राइवेट ग्रुप बना सकते हैं। प्राइवेट मतलब ये होता है कि जब तक किसी आदमी ने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट नहीं की ज्वाइन करने के लिए, और आपने उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं कर दिया है, तब तक वो ग्रुप के कोई भी पोस्ट नहीं देख पाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से फेसबुक ने एडमिन को पावर दे रखी है कि वो चाहे तो लोगों को ग्रुप में अप्रूव करे, या फिर वो चाहता है कि केवल कुछ लिमिटेड पीपल उस ग्रुप के पोस्ट को देख पाएं और डिस्कशन को देख पाएं, तो अपने ग्रुप को वो प्राइवेट भी कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा कई कोर्स क्रिएटर जो कोर्स बेचते हैं सोशल मीडिया पे, वो अपना एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप बनाते हैं और अपना कोर्स बेचते टाइम वो स्टूडेंट्स को ये भी ऑफर देते हैं कि इस प्राइवेट ग्रुप की मेंबरशिप हम आपको देंगे, जिससे आप भी इस ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकें और अपना नॉलेज बढ़ा सकें। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जो कि फेसबुक ग्रुप के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये है रीच। अगर आप फेसबुक मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने बिजनेस की या फिर अपने पर्सनल ब्रांड की, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको रीच चाहिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा चाहिए। लेकिन आप अगर फेसबुक पर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच लगभग डेड हो चुकी है, लेकिन जिस केस की बात हम कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप फेसबुक पेज की बात करें तो यहाँ पर रीच लगभग डेड ही हो चुकी है, मतलब आपके फेसबुक पेज पे चाहे जितने ज़्यादा फॉलोवर्स हों, लेकिन जब आप कोई पोस्ट करते हैं नया तो केवल 2-3% लोगों तक वो पोस्ट पहुँचता है। इसका सीधा सा रीज़न यही है कि फेसबुक चाहता है कि आप पेड एडवर्टाइजिंग करें। लेकिन अगर हम बात करते हैं फेसबुक ग्रुप की, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बेटर है फेसबुक पेज से। अगर आपके फेसबुक ग्रुप में अच्छे फॉलोवर्स हैं और आप कोई नया पोस्ट करते हैं तो कंपैटिबली यहाँ पर आपकी पोस्ट को ज़्यादा रीच मिलेगी। इसके अगर सिंप्लीफाइड रीज़न समझे हम लोग तो इसके मेनली 3 रीज़न हैं। पहला, फेसबुक पेज को एडवर्टाइजिंग के प्रोस्पेक्टिव से ही बनाया गया है। यहाँ पर फेसबुक चाहता है कि लोग फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग करें, अगर हमने उनको ऑर्गेनिक रीच दी तो लोग एडवर्टाइजिंग करेंगे ही नहीं, जबकि फेसबुक ग्रुप के साथ थोड़ा सा केस अलग है, यहाँ पर ये एडवर्टाइजिंग के प्रोस्पेक्टिव से नहीं बना है। सेकंड रीज़न ये है कि फेसबुक पेज पर जनरली लोग अपना प्रमोशन करने की कोशिश करते हैं, मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं, जबकि फेसबुक ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर लोग वैल्यू शेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। थर्ड रीज़न आता है पोस्ट की फ्रीक्वेंसी का। जब हम फेसबुक पेज की बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, बहुत लोग हफ्ते में एक पोस्ट करते हैं, बहुत लोग दिन में एक पोस्ट करते हैं, दिन में 5 पोस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन अगर फेसबुक ग्रुप की बात करें, एक एक्टिव फेसबुक ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पर दिन में 1000 पोस्ट भी हो सकते हैं। अब जब एक ग्रुप में लोग अलग अलग पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग लोग इंगेज भी करते हैं, इसकी वजह से भी फेसबुक इसको ज़्यादा रीच देता है। तो इन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करके बात करें हम, तो हमें यह समझना होगा कि फेसबुक पेज में हमें वो फीचर्स मिल जाते हैं जो हमें फेसबुक ग्रुप पे नहीं मिलते हैं, और फेसबुक ग्रुप पे वो रीच मिल जाती है जो फेसबुक पेज में नहीं मिल पाती है। तो आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या फिर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको इन दोनों टूल्स का अच्छा यूज़ करना चाहिए। मतलब अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक फेसबुक पेज बनाइए और अपनी नॉलेज शेयरिंग करने के लिए एक फेसबुक ग्रुप भी बनाइए। तो ये सिंपल से डिफरेंसेस थे फेसबुक पेज में और फेसबुक ग्रुप में। अगर कुछ छूट गया हो, कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।